एक बार फिर से जुले द मैजिकल वर्ड इन लद्दाख। तो मैम अपना हमें इंट्रोडक्शन कराइए। सर, मेरा नाम रिगजिन है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं यहाँ पर लिकीर में छोटा सा होम स्टे चला रही हूँ। तो जो लेके रहे गांव है और ये आता ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हाँ जी सर, और ले टाउन से कितने दूरी पे होगा ये? ले टाउन से 55 किलोमीटर्स। ले से ज़्यादा हाइट हाइट पे पे, है हाँ जी, ले से हाइट पे ये 13,000 समथिंग पे आता है। और क्या मतलब यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? मैं एक्चुअली लिकिर एक क्राफ्ट विलेज में आता है सर। लिकिर मतलब लिकिर एक प्रॉपर मतलब प्रॉपरली पोट्री फेमस, लिकिर का मतलब जो मेन जो है ना पोट्री में फेमस रहता है। मतलब जैसे किंग डायनेस्टी के टाइम में सिर्फ लिकिर विलेज ही पोट्री बनाता है, जैसे उसकी अभी वही चला रहा है अभी, मतलब उसी से मतलब जो किंग डायनेस्टी से वही वो कंटिन्यूस रहा है लिकिर। और लेकर अपने मोनेस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। हाँ जी, लिकिर एक मोनेस्ट्री लद्दाख में मतलब टॉप 5 में आता है। लिकिर मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन लिकिर एंड 15th सेंचुरी से लिकिर। चलिए अब ये क्या है बताइए। हाँ जी, ये मैंने अपना लोकल जो कुलचा जो है था ना, लोकल पैक किया हुआ है, अपने खुद अपने हाथों से मतलब फ्रेश फ्रेश पैक किया हुआ है क्या सुबह। बोलते हैं इसको? पुली, इसको पुली बोलता है सर, लद्दाखी में पुली। जी लद्दाखी बिस्किट है। हाँ, लद्दाखी बिस्किट मतलब, हाँ जी ये कुलचा। किससे बनता है ये? ये इसमें आटे से बनता है सर, आटे और थोड़ा सा यीस्ट डालता है और बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मिल्क डाल के, मैं तो अपना मतलब इंग्रेडिएंट तो अपना अलग अलग होता है, हाँ। मैं तो थोड़ा सा इसमें वही क्या बोलते हैं काऊ मिल्क डालता है अपना उसका। और किस पे बेक करते हैं इसको, किसको पकाते मैं हैं? ओवन में बनाते हैं ओवन में सर। हाँ पकाते जी, हैं। अभी तो ये मतलब थोड़ा सा क्या बोलते एडवांस हैं हो हाँ वो या ना इसकी गया। वजह से इसमें बनाते, नहीं तो हम जैसे गोपा वो हम काव डांग जो होता है ना हाँ उसमें वो करके उसमें पैक करते हैं, उसमें वो करके, अभी तो थोड़ा सा समय के साथ साथ हाँ बदल जी, गया। हाँ जी बदल गए। हाँ जी, टेस्ट मतलब जो पहले था हाँ वैसे जी, टेस्ट तो वैसे ही रहता है वैसा। पहले, अभी थोड़ा इसमें मतलब चीनी वगैरह ज़्यादा वो डालना, फिर इसमें वो रिफाइंड ऑयल या घी भी डाल सकता है ना, वो डाल के थोड़ा सा चेंजेस आया हुआ है ना। पहले तो सिर्फ ऐसे आटे में फिर ये क्या बोलते हैं लस्सी डाल के और नमक डाल के या मीठा का वो डाल के बनाते हैं, अभी थोड़ा सा चेंजेस आ गया बहुत मॉडर्न के बढ़िया बना हिसाब हुआ है, से। बिल्कुल एकदम खस्ता बना हुआ है हाँ करारा। जी वैसे, चाय में डुबो के खाएं, हाँ जी वैसे, बहुत बढ़िया बना हुआ है। थैंक यू सर। इस गांव में बिल्कुल मतलब कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ जी, एकदम शांति हाँ है। जी, एकदम शांति है सर। अभी मतलब मैं 2018 से मतलब चला रही हूँ कंटिन्यू, बीच में तो फिर कोविड की वजह से तो बिल्कुल, मैं अभी 2 साल हो गया मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। फिर मतलब टूरिस्ट सर, जितना भी टूरिस्ट आता है ना सब लोग बोलते हैं मतलब बहुत चलने, कभी कभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी रुक के जाते ये हैं ऐसी मतलब। जगह है हाँ कि यहाँ जी, पे आके आराम से आप बस सुकून से रहें। हाँ हाँ, जी जी सर, जी सर, शहर की भागा दौड़ी जो है उससे जी जी निकल के इस जगह पे आए और 2 पल सुकून के बिताए। जी सर, अभी तो ये हार्वेस्ट का पूरा खत्म हो गया ना, अदरवाइज तो यहाँ मतलब जैसे उसमें तो बहुत हरियाली मतलब अच्छा दिखता था, अभी तो ये हार्वेस्ट का पूरा खत्म हो गया था हाँ बाकी यार वैसे। देखा मैंने काफ़ी खेत हैं। हाँ जी, खेत किस का चीज़ की खेती करते हैं आप लोग? बैरली का सर, बर्ली का। हाँ जी बर्ली, बाकी आपने किचन गार्डन में गोभी लगाया हुआ है? हाँ मैंने तो सब कुछ मतलब गोभी, फूल गोभी, प्याज और स्पिनिच वगैरह सब कुछ, गाजर, आलू, मटर, अभी मटर का सीज़न ख़त्म हो गया, अभी भी जस्ट मैंने पूरा एक खेत में लगाया था, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी सब कुछ मतलब सुखा रहे होंगे, ड्राइंग हाँ का जी, हाँ काम चल जी, रहा होगा। हाँ जी, अभी हाँ मतलब हम वैसे हम तो मोस्टली एक लिकिर एक ऑर्गेनिक विलेज में भी आता है सर, अभी अभी उसका मतलब पूरा लेकिन एक ऑर्गेनिक विलेज में आते हैं, हम बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं करते, आउटसाइड फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, हम अपना कंपोस्ट वगैरह बना के वो यूज़ करते। ये आप लोग का मैंने देखा है कि जो आप लोग का लाइफ स्टाइल है बहुत ही अच्छा है, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल है। जी सर, खान पान सब कुछ बहुत शुद्ध है। हाँ जी, जो विंटर्स के लिए आप लोग सब्जियां बचा के रखते हाँ हैं, जी, जो उसको सुखाते हैं या उसको हाँ जी, प्रिजर्व करते हाँ हैं, जी, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली जैसे स्पेनिश वाला जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना लीफ वाला, वो हम सुखाते हैं, वो भी हम मतलब ऐसे नहीं सुखाते डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं देता है, एक कमरे में वो सुखाते हैं,
थोड़ा वो करके, हाँ जी शेड में सिखाते हैं। और जैसे पिछले जो पिछले कोविड से पहले तो मैंने वो फूल गोभी बहुत मतलब अच्छा बन गया था मेरा फूल गोभी का, उसमें पूरा फूल गोभी और ये खीरा जो खीरा नहीं तो लौकी, लौकी भी सुखाया था बहुत अच्छे से, मतलब वो सर्दियों में हम आराम से खा सकते हैं ना, पर इस बार फूल गोभी का इतना नहीं हुआ। फिर पत्ता गोभी तो सूखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब कहा जाए तो दो तरीका है, सन और शेड। हाँ जी, एक तो धूप में सुखाते हैं जो सन ड्राइंग, और एक शेड में जो कवर में सुखाते हैं वो। हाँ जी, मतलब जैसे शेड में सुखाते हैं तो थोड़ा सा लीव्स जो है ना ग्रीन्स रहता है ना सर, और डायरेक्ट सनलाइट पे देता है तो थोड़ा येलो येलो टाइप का हो जाता है। तो ग्रीन्स जो है वो शेड में सुखाते हैं। हाँ जी, और बाकी जैसे आपका हो गया टर्निप्स हो गया। हाँ जी, एप्रिकॉट हो गया, वो तो सारे उसमें, वो सारा धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाते हैं। और ये रेडिश वगैरह तो सुखाने की भी ज़रूरत नहीं, वो भी ऐसे फ्रेश रहते हैं। हाँ जी, फ्रेश फ्रेश ऐसे स्टोर में रख देता ना, फिर ऐसे ये बोरे में डाल के या कुछ में डाल के। मैंने कहीं तो पढ़ा था, वो क्या तो बता रहे थे कि वो ऐसा गड्ढा करते हैं उसके अंदर डाल के। हाँ जी जी, वो अभी थोड़ा सा कम हो, नहीं तो यहाँ पर खेत पे ना ऐसे गड्ढा खोदता है हम पूरा इतना, वो फिर पूरा वो डाल के फिर ऊपर से मिट्टी सेम जैसे लेवल पूरा लेवल करते हैं, फिर जब खाने के टाइम होता है फिर वो करते हैं। वो भी मतलब खाने के टाइम में मार्च अप्रैल में ही वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर जम जाता है ना सर। ये हम जो लॉन्ग टर्म के लिए रखता है ना, मतलब जैसे मार्च अप्रैल में खाने के लिए जो रखता है ना, वो ऐसे कट्टे में रखता है। हाँ जी, अभी टप्पू बनाने के लिए ये टप्पू का चटनी जो होता है ना, वो ग्रेवी थोड़ा सा ग्रेवी बनाते हैं उसके, मतलब ये गिरी होते हैं एप्रिकॉट सीड्स, और ये अखरोट जो है ना अभी मैं धो रहे हैं उसके, फिर इसको मतलब पीसेंगे हम मिक्सर में। पहले तो हाथ से पीसते हैं, अभी जो मॉडर्न ज़माने मॉडर्न का वो हो गया तो फिर हम मिक्सर में पीसते हैं सर। जो पहले ज़माने में तो टप्पू जो बनता है ना, जैसे कभी भी फंक्शन हो तो जो फसल काटने के बाद हमेशा बनाते हैं, फिर सारे रिलेटिव्स हो या नेबरहुड हो सब में बांटता है, जैसे जिस घर में टप्पू बनाते हैं। फिर मतलब एक पहले ज़माने में एक अच्छा डिश, मतलब जो महंगा वाला डिश बनाया जाता है सर। ठंडा पानी डालेंगे, बस काफी है। अब पानी में पूरा जो पाउडर बनाया आपने, पानी में जो पाउडर बनाया था वॉलनट और जो एप्रिकॉट सीड्स का, वो इसमें हम डालेंगे। अभी हम उसका मतलब टप्पू जो मेन जो टप्पू होता है ना, ये तो चटनी हो गया ना सर, अभी टप्पू बनाएंगे। इसमें हम टू टाइप्स ऑफ फ्लोर यूज़ किया है, एक बर्ली और एक जो हम यूज़ करते हैं ना आटा वाला, गेहूं का आटा। हाँ, गेहूं का आटा। अब टप्पू बनाएंगे। हाँ जी, अब टप्पू बनाएंगे, इसको छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पहले। अच्छा, शेप देते हैं। हाँ, शेप देते हैं इसको पूरा आराम से, वो करके ऐसे करके फिर इसमें ऐसे करके शेप। टप्पू बन गया। हाँ जी, टप्पू बन गया। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रखेंगे, कि टप्पू को वैसा हमेशा ठंडा ही खाते हैं हम। अब क्या बना रहे हैं? टिंगमो। टिंगमो मैंने बहुत खाया है। अच्छा, और हमारे दिल्ली में मजनू का टीला है। अच्छा, तो वहाँ पे टिबेटन रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ जी, तो वहाँ पे टिमो और शाप्ता। अच्छा, हाँ जी, हम भी टिमो शाप्ता बना रहे हैं। अब अच्छे से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके स्टीम करेंगे ना। हाँ जी। तो इसमें ये किस चीज़ का आटा है? ये सुपर फाइन आटा है। अच्छा, मैदा। मैदा, और उसके बाद फिर आपने ईस्ट डाला। ये ईस्ट डाला। हाँ, और वो बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। इसमें मतलब टेस्ट के लिए नमक डालना है तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप।
तो जैसे ईस्ट तो अब मिलने लगा है, हाँ जी, पहले नहीं मिलता था, क्या इस्तेमाल करते थे? लस्सी डालते थे। अच्छा, बटर मिल्क डालते थे, बटर मिल्क, हाँ जी, बटर मिल्क छाछ। अब इसको फोल्ड करके रख देंगे थोड़ी देर, खमीर उठाने के लिए। हाँ, अभी हम जो टप्पू का ये चटनी बनाया ना, उसमें तड़का लगाएंगे। रिफाइंड है? हाँ जी, रिफाइंड है। अभी हम इसमें जो गरम हो गया तेल, तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, और डालेंगे गरम मसाला जो मैंने ये अपना पीसा हुआ है जो गरम। अभी हम इसमें प्याज जो गोल्डन ब्राउन है वो इसमें प्याज डालेंगे। सॉस तैयार हो गया? हाँ जी, सॉस तैयार हो गया सर। मुक्टर जो क्यों ना, तो कैप्सिकम, टमेटोज, अनियन। अब शाप्ता बना रहे हैं? हाँ जी, शाप्ता बना रहे हैं सर। हम इसमें रिफाइंड ऑयल में अनियन डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल दिया। प्याज डाल दिया टमाटर डाल अभी टमाटर डाल दिए नमक नमक डालेंगे टमाटर गल जाएंगे ना। हल्दी हल्दी डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे। गरम मसाला, कैप्सिकम, हाँ जी, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। और इसमें गोट मीट डाल रहे हैं? हाँ जी, गोट मीट डाल रहे हैं। इसको फ्राई करेंगे? हाँ जी, फ्राई करेंगे। सोया सॉस डालेंगे और हिंग, हिंग डालना है। स्प्रिंग अनियन, जो मटन का स्टॉक है वो डालना है? हाँ, वही है जो मटन, मटन का स्टॉक डाल दिए। अब टिमोक बना रहे हैं? हाँ जी, टिमोक बना रहे हैं सर। अब ये अभी हम इसमें स्टीमर को थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि चिपके ना। तो आपके भाषा में स्टीमर को क्या बोलते हैं? मोकटो, 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 हाँ जी। इसमें मोस्टली हम मोमो के लिए बोलते हैं ना, मोकटो बोलते हैं, मोकटो। इसमें ऑयल लगाएंगे, और बेलेंगे सर इसको आराम से। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाएंगे, फिर अच्छे से इसको फोल्ड, अब इसको फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, जैसे रोल। कटिंग, अब कटिंग करेंगे बीच में वो करके, फिर इसको थोड़ा ऐसे खींच के
इसे शेप देंगे सर इसको। इसको थोड़ा अलग करेंगे थोड़ा सा ऐसे। हाँ जी, ये दो साइड इस साइड में पकाने इस ऊपर लेयर। हाँ जी ऊपर लेयर। इसको मतलब साइड से ऐसे पकड़ने। मेरा खुला क्यों नहीं, आपका तो खुल गया। अब इसको चाहे छोटा हो जाए ना। हाँ इसीलिए नहीं कर पाया मैं, वरना तो मैं कर लेता। अंदर की तरह ऐसे फोल्ड करें, फिर दोनों ऐसे मिलाएंगे सर। ये दोनों ये हाँ, दोनों उंगली कैसे निकाल लूँ। हो गया कुछ तो बना, कुछ तो बना सर। हमने तो दिल का शेप बना दिया। चलिए इस टिंगमो में मेरा दिल है। जी हाँ, अभी ये जो इस्तेमाल कर नीचे वाले में हमने पानी डाला है उसको उबाल लिया है। पानी को उबालने के बाद हम इसको स्टीमर को यहाँ डाल और टिमो को स्टीम करेंगे। हाँ जी टिमो को स्टीम करेंगे 20 मिनट्स के लिए। टिमो रेडी हो गया सर हमारा। तो ये अपना मटन शाप्ता। हाँ जी ये वेज शाप्ता। वेज हाँ जी वेज। ये आपका टापू। टापू विथ वॉलनट एंड एप्रिकॉट कर्नल चटनी। हाँ जी और टिमो। टिमो हाँ जी सर। तो ये लोकल ट्रेडिशनल बियर है यहाँ का। हाँ जी छांग। छांग हाँ जी जो कि बारले से बनता है। हाँ जी बारले से बनता जो है। हाँ जी जो से बनता है सर। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब आप लोग इसको एज अ कल्चरल सोशल। हाँ जी ये एक्चुअली हमारा। हाँ जी पहले ज़माने में तो राम वगैरह कहाँ होता था सर, नहीं होता था ना, इसलिए हम जैसे हमारा ट्रेडिशनल मैरिज सेरेमनी हो गया या मतलब बच्चे का दगांग बोलते हैं ना हम, बच्चे जन्म होता है ना उसको, उसके बाद बच्चे का मतलब फंक्शन बना रखता है ना, उसके टाइम में भी हम जो भी मतलब हमारे फंक्शन हो या किसी का डेथ सेरेमनी हो सब में यूज़ होता है। पर आजकल बहुत काम हो गया सर। अभी हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन उसकी तरफ से छंग थोड़ा, क्योंकि उसमें नशा ज़्यादा होता है ना, इसलिए थोड़ा सा काम। ज़्यादा नशा होता है मतलब ज़्यादा पिएगा तो होता है ना सर। अदरवाइज इसमें तो ये तो अदरवाइज ये तो सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल वो कुछ नहीं डाला होता ना सर, अच्छा होता है सेहत के लिए बोलता है ना, थोड़ा सा पियो तो अच्छा होता है और ज़्यादा पियो तो फिर। मतलब पीने से पहले ऐसे करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी तीन बार। हाँ तीन बार हाँ। इस अंगूठे से इससे रिंग फिंगर ये वाला। हाँ जी तीन बार निकाल के डालते हैं। हाँ तीन बार निकाल के एक दो तीन। हाँ जी किसको ऑफर करते हैं। भगवान को। बुद्धा धम्मा। हाँ बुद्धा धम्मा संगा तीनों का। चलिए चीयर्स। तुम स्वीट है। हाँ जी ये स्वीट और सार। स्वीट है तो सर इसमें कोई वो नहीं होता है ना। अच्छा है रिफ्रेशिंग है। हाँ जी तो टिमो को टिमो बोलते हैं। टिमो टिमोक टिमोक। हाँ जी चलिए तो पहले ये खाते हैं जो आपका टापू है। चटनी बहुत बढ़िया बना। हाँ जी तो ये आप बता रहे थे स्पेशल ओकेजन से बनाते हैं ये। हाँ जी इसको ठंडा ही खाते हैं। हाँ जी ठंडा खाते हैं क्योंकि गर्म खाए तो ये ज़्यादा ये गिरी जो है ना वो गर्म होता है ना सर, इसकी वजह से हम मतलब थोड़ा हो सकता नहीं इसलिए। और इसको ड्रापू भी बोलते हैं। हाँ जी ड्रापू। और ये आपका शाम रीजन का ही डिश है। हाँ जी शाम रीजन का ही डिश है। हाँ जी बहुत बढ़िया बना हुआ है। थोड़ा सा मतलब ये क्रैक हो गया। हाँ जी हार्ड है तो हार्ड हो जाता है। हाँ जी हार्ड होते हैं। और ये चटनी जो है ये आपका अच्छा क्रीमी बना हुआ है। अच्छा इसमें एक कोर्स टेक्सचर भी है इसका, साथ में जो प्याज और
हल्दी डाल के इसको तड़का लगाया, उसका भी बहुत अच्छा जायका आ रहा है। अब टिकमो खाते हैं। टिकमो खान जी, टिकमो तो बिल्कुल एकदम मतलब फूल का पैटर्न बना हुआ है इसमें। हाँ जी, हाँ इसमें तो हम कुछ भी पैटर्न डाल सकते हैं ना सर। हाँ जी, इसको कैसे मतलब एक लेयर निकाल के, ऐसे लेयर निकाल के भी खा सकते हैं, मतलब उसमें कोई वो नहीं, किसे भी खा सकते हैं। और ये आपका हो गया शाप्ता। हाँ जी, टिकमो और शाप्ता टिबेटन डिश है। हाँ जी, और लद्दाख को लिटिल टिबेट भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मतलब एक हमारा कल्चर, मतलब कल्चर से सिमिलर है और साथ में ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है, पास में है। हाँ जी सर, तो इसीलिए। हाँ जी, तो उसका झलक खाने में भी देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत टेस्टी बनाया था। ये अच्छा है, बिल्कुल अलग अलग लेयर्स निकाल के आप जैसे रोटी होता है वैसा हाँ टुकड़ा बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ग्रेवी के साथ खाइए। हाँ जी, और शाप्ता एक तरह से स्टर फ्राइड मीट हो गया। हाँ जी, शाप्ता मीन्स शाह जो बोलते हैं ना हमारे, उसमें मीट को बोलते हैं शाह, लद्दाखी लैंग्वेज में शाह मीट को बोलते हैं। जी, वेज वाला ट्राई करते हैं। हाँ जी, वेज वाला अपने गाजर शिमला मिर्च। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ सब डाल के बनाया। हाँ जी, स्प्रिंग ऑनियन। हाँ जी, स्प्रिंग ऑनियन, ये सब गाजर, ये सब कुछ ऑनियन वगैरह सब कुछ हमारा खेत का ही है, ऑर्गेनिक है। और शाप्ता ड्राई भी हो सकता है और ग्रेवी। हाँ जी, ग्रेवी, हाँ जी, दोनों हो सकता है। ये आपने ग्रेवी वाला बनाया है, उसमें मटन का ब्रॉथ डाल के। हाँ जी, तो पूरा चिल्ड किया हुआ आपने। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी तो मतलब सितंबर का महीना है। हाँ जी, और फर्स्ट वीक में हम लोग। हाँ जी, इतनी ठंड पड़ने लगी है। हाँ जी, अभी मतलब जिससे हमारा फसल करता है ना, उस हिसाब से ठंड भी मतलब हो जाता है। बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। हाँ जी, टिकमो बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब बिल्कुल एयरी बना हुआ है, फ्लफी बना हुआ है, सॉफ्ट है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। खाना बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। थैंक यू सर, आपको मतलब हमारा डिश अच्छा लगा, मतलब मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो गया थी, आपको अच्छा लगे? अच्छा लगे, इतने प्यार से आपने बनाया। थैंक यू सर। थैंक यू जूली। जूले सर, खमीर का आटा है। हाँ जी, खमीर इसमें क्या क्या है? इसमें आटा और बेकिंग बेकिंग पाउडर और यीस्ट डाला बस। ये गेहूं का आटा है? गेहूं का आटा नहीं है सर, मैदा है। हाँ जी, तो खमीर वैसे गेहूं के आटे का बनता है? हाँ, गेहूं का आटे का भी बनता है, इसका मतलब मैंने मिक्स किया हुआ। अच्छा टेबल पे खमीर है, नमकीन चाय, बटर टी, गुड़गुड़ चाय, मक्खन है। मक्खन, मक्खन को क्या बोलते हैं लोग? नहीं, मार, मार। हाँ जी, और ये गाय के दूध से बना हुआ। हाँ जी, गाय का प्योर है हमारा। और ये है फटिंग छू। हाँ, फटिंग। हाँ जी, और छू मतलब सूप या पानी। हाँ, जो सूप होता है ना। हाँ जी, तो इसको कैसे खाना है? मतलब डिप करके। हाँ जी, डिप करके खा सकता है, फिर आप ये बटर लगा के वो भी कैसे भी खा सकता है, तो कोई वो एकदम फुला हुआ से फुलका रोटी होता है ना वैसे। खम्बीर, खम्बीर अंदर से एकदम जाली बना हुआ है, फ्लफी है। हम इसको इसमें डिप करना है। हाँ जी, ये ऐसे मीठे में भी खाता है ना स्पेशल? हाँ जी, मीठे में भी खा सकता है। बहुत बढ़िया बना हुआ है खमीर। अच्छा सा हल्का एक खट्टापन भी है।
हांजी जो फर्मेंटेशन के कारण आता है। हाँ जी, जिसमें आपने ईस्ट डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है। हाँ जी, इसमें शुगर भी डालते हैं? नहीं सर, ये शुगर वैसे ही होता है, इसमें शुगर वो बिल्कुल मीठा होता है ना, जो एप्रिकॉट जो होता है ना, फटिंग जो होता है ना, वो जो मतलब सबसे बेस्ट वाला फटिंग होता है ना, इसमें कई तरह की फटिंग होता है, कोई थोड़ा सा खट्टा भी होता है, ये मीठ सबसे मतलब नंबर वन बोलता है ना हमारे, उसमें नंबर वन फटिंग है इसमें। लक्ष्य कार्पो जो होता है? हाँ जी, लक्ष्य कार्पो नहीं, उससे भी हलमन का है, हलमन हमारा उससे भी अच्छा है। हाँ जी, उससे अच्छा है हलमन। अच्छा, हाँ जी, इसको ड्राई करके रखते हैं, सिर्फ पानी में ओवरनाइट सोक कर लिया। हाँ जी, ये बहुत मीठा है, मतलब एप्रिकॉट से बहुत चीज़ बनाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, का जाम भी बनाते हैं हम, जूस भी बनाते हैं, और ऐसे मतलब जिसे हम सर्दियों में तो एप्रिकॉट खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मतलब एप्रिकॉट ये जो फटिंग होता है ना, फटिंग लद्दाख में मनाया जाता है, शीप के मीट नहीं होता, शीप का उसकी तरह वो होता है, मतलब इतना उसमें, हाँ जी इतना न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत मीठा है और बहुत टेस्टी है, बहुत ही उम्दा है, जो स्वीटनेस है वो एप्रिकॉट का ही है। हाँ जी, नेचुरल्स, नेचुरल स्वीटनर है, और इसमें जो स्वीटनर होता है एप्रिकॉट में वो होता है सॉर्बिटॉल, जो कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। मक्खन साथ ट्राई करें? हाँ जी, मक्खन के साथ। इसका जो स्वीटनर है वो हार्मफुल नहीं है? नहीं, ये हार्मफुल नहीं है सर, ये नेचुरल है इसमें। हाँ जी, इसलिए इसको खाया जाए। तो फ्रेश एप्रिकॉट से ज़्यादा ड्राइड खाने में मज़ा आ रहा है, और ओवरनाइट सोक्ड इन वाटर, बच्चा लोग को बहुत पसंद आता होगा। हाँ जी, बच्चे लोग तो बहुत खाते हैं। अभी सब लोग स्कूल गए तो ब्रेकफास्ट में क्या करके जाते हैं? ब्रेकफास्ट में अभी तो मैंने आज खमीर का सैंडविच बना के भेजा था उसको, क्योंकि आज खमीर बनाया था ना। खमीर का सैंडविच सुबह ब्रेकफास्ट में, मोस्टली में ज़्यादा मतलब हैवी तो नहीं खाते हैं ना, इसलिए मैंने थुप्पा जो होता है ना, सिंग सिंग जो सूपी वाला थुप्पा होता है ना, वो बना के मोस्टली में बना के भेजती हूँ बच्चों को। और लंच में? लंच में तो वही जो भी मैं चावल या पराठा हो गया या खमीर, कभी कभी खमीर, आज खमीर लेके गया है, वैसे करके भेजती हूँ। डाइड एप्रिकॉट, डाइड मिल जाता है बाजार में भी? हाँ जी, मिल जाता है। हाँ जी, इसको मतलब उसका भी मतलब ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड ऐसे होता है ना, एक्चुअली मेरा हस्बैंड आर्यन विले से है, ये मोस्टली आर्यन विले में आता है ना सर, हलमन। हाँ जी, हलमन मतलब जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता है ना वहाँ पर, तो फिर मेरे ससुराल से मतलब बेचते रहता है जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा हाइट पे आता है, तो फिर इतना अच्छा नहीं होता है, चिली हो जाता है, पर फटिंग नहीं होता है हमारे इधर। अच्छा, चुली अलग है, फटिंग अलग? फटिंग अलग होता है सर। हाँ जी, चुली तो नॉर्मल मतलब जो एप्रिकॉट होता है ना सर, और जो उसमें भी फटिंग में भी हलमन, रोगन और ये लक्ष्य कार्पो, तीन टाइप का इससे होता है। हाँ जी, सबसे अच्छा हलमन माना जाता है। हाँ जी, हलमन सबसे बेस्ट माना जाता है, इसको फटिंग बोलते हैं। हाँ जी, फटिंग। आपके गाँव जाना पड़ेगा वहाँ आर्यन वाला। हाँ जी, जरूर है, नेक्स्ट टाइम आएंगे, मतलब लद्दाख तो इतना बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, यूटी है। हाँ जी, तो यूनियन टेरिटरी बन गया ना। हाँ जी, ये अलग अलग उसमें रीजन्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें पूरा अलग अलग हमारे मतलब इसमें मतलब कल्चर डाइवर्सिटी बहुत हमारे लद्दाख में बहुत मिलेगा आपको, मतलब आर्यन विले हो गया, ये तुर्तुक बलूचिस्तान साइड में भी अलग 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 टाइप का वो मिलेगा। आर्यन तो टोटली अलग है वहाँ का, पूरा ट्रेडिशनल, और उनका भाषा भी अलग से होता है। चलिए, नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे एक एक बार करके। इस बार तो थोड़ा हमने शाम रीजन की तरफ अच्छा अच्छा जी कवर किया। हाँ जी, जिसमें आपका लिकीर, अलची सब शाम में आता है। हाँ जी, शाम में आता है।
लिकिर मोनेस्ट्री है का मित्र बुद्ध जो 78 फीट्स का स्टेचू सिंस 1998 में मतलब बनाया था, मतलब इसका फ्यूचर बुद्ध होते हैं हमारे बुद्धिज़्म में होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बुद्ध, तीन बुद्ध आते हैं, अभी प्रेजेंट बुद्ध शक्यमुनि बुद्ध हमारा मतलब प्रेजेंट बुद्ध है, अभी उसके बाद उसका मतलब पूरा वो टीचिंग वो सब कुछ होने के बाद खत्म होने के बाद ये मित्रीय बुद्ध आने वाला है, इसलिए फ्यूचर बुद्ध बोलते हैं इसको। तो टीचिंग्स में तो कोई ऐसा? हाँ जी, टीचिंग्स में इतना वो नहीं होते, फ़र्क नहीं होते, पर उसका मतलब जो थोड़ा सा वो होता है जैसे हमारे बुद्धिज़्म में होते अभी तक बोलता है वैसे थाउजेंड्स ऑफ बुद्ध होते हैं, पर उसमें पास प्रेजेंट फ्यूचर बुद्ध जो होता है ना वो हमारा मेन रहता है। मतलब बुद्ध का मतलब तो है जो इनलाइटेंड वन, यस। और मॉनेस्ट्री प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, हाँ जी, जहाँ पे लोग आके पूजा कर सकते हैं और यहाँ पे लामा रहते भी हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री स्कूल भी है, यहाँ पर पढ़ा पूरा फिफ्थ तक पढ़ाने के बाद फिर एक सेंट्रल बुद्धिस्ट स्कूल ले में है यूनिवर्सिटी, जो अभी वो डैम यूनिवर्सिटी बन गया है, उसके बाद या तो ले में जाए तो अपना चॉइस होता है, ले में भेजेगा तो ले में रह सकते हैं, अदरवाइज कर्नाटक साइड में मोंगोट जो होता है ना वहाँ पर हमारा मोनेस्ट्री का एक ब्रांच पे वहाँ पे पूरा पढ़ाई का ख़त्म करते हैं, फिलोसफी पूरा कंप्लीट करके फिर हमारे यही मोनेस्ट्री में वापस आते हैं, उनको वहाँ पर टीचिंग ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ लिकिर में मोनेस्ट्री में वापस आके यहाँ पर रहता है, फिर उनको पूरा हम अपना अपना कमरा भी बनाया हुआ होता है। और जो लामा है उनका काम है कि जो बुद्धिज्म है उसको स्प्रेड करना, उसके मैसेज को स्प्रेड करना। ये जो है ना असेंबली हॉल, इसमें महीने में तीन बार जो जो अष्टमी हो गया और बुद्ध पूर्णिमा हो, बुद्ध जो फिफ्ट पूर्णिमा के दिन और नेक्स्ट जो होता है ना लास्ट 30th में यहाँ पर सारे गैदरिंग होता है, फिर यहाँ पर पूजा होता है। तो यहाँ पे जो पोशाक रखा हुआ है, हाँ जी, ये मतलब जैसे वो लोग ऐसे इनका मतलब मान लो एक ब्लैंकेट है, वो लोग मतलब वो करके लद्दाख तो एक ऐसा इलाका है ठंडा इलाका है, इसकी वजह से ब्लैंकेट सबके लिए एक एक ब्लैंकेट उन्होंने गोल्डन का है और ये सिल्वर का और ये जो है ना वो क्ले जो है उससे बना हुआ है। ये सब ऑफरिंग्स हैं? हाँ जी, ये सर हमारे मतलब सुबह जब हम उठता है सबसे पहले मुंह हाथ धो के फिर घर में भी ऐसे चल मतलब पानी ऑफरिंग करते हैं भगवान के लिए। और विंटर्स में? हाँ, विंटर्स में नहीं, क्योंकि विंटर में जम जाता है, मतलब जितना हो सके तब तक हम वो कर लेते हैं, फिर विंटर में हम इसमें ना खाली नहीं रखते हैं, हम इसमें या तो फ्रूट्स डाल वो करो या तो उसमें चीनी भी डाल सकते हैं और जो बाकी ये टॉफ़ी मतलब कैंडी वगैरह डाल के पूरा वो करके इसे रखता है। हाँ कश्यप, ये मतलब पास बुधा, हमारा पास बुधा जो होता है ना ये बुधा का संगत ओशुंग, हमारे बुद्धिज्म उसमें बोलता है संगे ओशुंग, जो पास बुधा जो हमारे उसमें पास प्रेजेंट फ्यूचर बुधा मैंने आपको पहले बताया था ना, ये पास बुधा है हमारा, और ये जो है ना प्रेजेंट बुधा संगे शक्य थोपा यानी कि शक्य मुनि बुधा अभी प्रेजेंट बुधा है जो, और उसके एक दो साइड पर टू डिसिपल्स शागलपुर एंड मोगलपुर टू डिसिपल जो बुद्ध ना संगे बुद्ध का ये फ्यूचर बुद्ध। हाँ जी ये, हाँ जी ये मित्र बुद्ध फ्यूचर बुद्ध हमारा, ये मित्र बुद्ध यानी कि ग्यावा चंबा हमारे लद्दाख की उसमें बोलते हैं ग्यावा चंबा गुम्बो, इसका बोलते हैं प्रेजेंट बुद्ध जो फ्यूचर बुद्ध सॉरी आने वाला जो होता है ना बुद्ध उनका प्रेजेंट, और ये जो ना हमारा गेलुपा का फाउंडर ग्यावा चोंगखापा एंड हिज टू डिसिपल्स, ग्यावा चोंगखापा हमारा यानी कि फाउंडर ऑफ लामा चोंगखापा हमारा उसमें होता है ग्यावा चोंगखापा बोलता है फाउंडर ऑफ गेलुपा जो हमारा लिकिर मोनेस्ट्री है ना गेलुपा का उसका वो हम गेलुपा को मानते हैं, फिर गेलुपा का उसका फाउंडर है ग्यावा चोंगखापा। तो सर बुद्धिज्म में मतलब चार सेक्ट्स हैं? हाँ जी।
उनमें से ये जो हाँ जी वो येलो पक हाँ जी, और ये जो पूरा होली बुक्स है ये इसमें होली बुक्स पूरा हमारे गाँव में कम से कम 300 के आसपास के मतलब हाउस होल्डर होते हैं ना, जो हाउस होते हैं, तो सारे मतलब सर्दियों में हम क्या करते हैं यहाँ से बुक लेके अपने अपने घर में जो होली बुक्स होता है ना अपने अपने घर में लेके पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ते हैं हम हाउस के मतलब वो करके पढ़ के फिर वापस यहाँ पर होता है लाता है वापस। लेकिन मॉनेस्ट्री का ही स्कूल है। स्कूल हाँ जी। लद्दाख लेकिन मॉनेस्ट्री स्कूल। हाँ जी। 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी विजिटर आते हैं उनको ब्लैक टी मिलता है। हाँ जी। थैंक यू आपका। और मतलब ये ऐसी जगह है लिकेर जहाँ पे आप आके आराम से सुकून के साथ रह सकते हैं, इस नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और साथ में जो लोकल हॉस्पिटैलिटी है उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहनते ही थोड़ा फील आ जाता है ना। तो अब बना रहे हैं मोमो। मोमो यस। मोक ओलिव ऑयल बहुत मिला। ये है खोलक। खोलक इसको कैसे मतलब इसमें डिप करके ऐसे डिप करके लेना है अपने। टंगतूर है ना। टंगतूर